और खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। सोहना रोड पर बादशाहपुर में हो रही है तोड़फोड़। भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। लोगों की भारी भीड़ मौजूद है। 350 से ज्यादा दुकानें और मकानों को तोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सोहना रोड पर बनना है 6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर। सड़क चौड़ी करने के लिए तोड़फोड़ की जा रही है। 350 से ज्यादा दुकानें और मकानों में तोड़फोड़ होगी। सोहना रोड पर बनना है 6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर। गुरुग्राम से खबर, जहां पर एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए तोड़फोड़ शुरू कर दी है प्रशासन की ओर से। प्रशासनिक अमला पहुंचा है। 350 से ज्यादा दुकानें और मकानों को तोड़ा जाएगा, क्योंकि इस रोड पर 6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर बनना है। सड़क को चौड़ा करना है, इस वजह से जो दुकानें आसपास हैं, जो मकान हैं आसपास, तकरीबन 350 दुकानें और मकान हैं कुल मिलाकर, जिसे तोड़ा जाएगा और तोड़ने के बाद एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाएगा। भारी संख्या में समय पुलिस बल वहां पर मौजूद है, ताकि कोई हंगामा ना हो। हालांकि लोगों में खासी नाराजगी है, जिनकी दुकानें टूट रही हैं, जिनके मकानों को तोड़ा जाना है, उनमें खासी नाराजगी है। बड़ी संख्या में लोग भी लामबंद हैं और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासनिक अमला वहां पर तैनात है। 350 से ज्यादा दुकानों और मकानों को तोड़ा जाएगा। सोहना रोड पर 6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर बनना है। सड़क को चौड़ी करने का काम शुरू होना है। इस वजह से जो दुकानें हैं वहां पर, जो मकान हैं वहां पर, उन्हें तोड़ने का काम शुरू हो चुका है।